नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन पास करते समय और पोटी पास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है लास्ट के समय में, क्योंकि आपका बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है, आपके गर्भाशय पे बहुत ज़्यादा दबाव बनने लग जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लेंडर पे बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, जिसकी वजह से कि आपको बार बार यूरिन आता है। और दोस्तों, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला का किडनी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कि उन्हें और ज़्यादा यूरिन आता है। दोस्तों, ज़्यादा यूरिन आने का कारण पता चल गया तो यूरिन आपको ज़्यादा आए या फिर कम आए इस बात का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि यूरिन आ रहा है लेकिन प्रेशर बना के रख बैठे हुए हैं, यूरिन करने नहीं जा रहे हैं। आप यदि लंबे समय तक यूरिन को दबा के बैठे रहते हैं, यूरिन पास करने नहीं जाते हैं, तो उससे आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। क्या हो सकती है? आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा आपका किडनी खराब हो सकता है, आपके पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपके गर्भाशय पे जोर पड़ सकता है। इसलिए आपको कभी भी यूरिन को रोकना नहीं है, जब भी यूरिन आता है तभी आपको यूरिन पास करना है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा ध्यान रखना है वो ये कि आप कभी भी गंदे जगह पे बैठ के यूरिन पास ना करें। घर में तो हम साफ सफाई रखते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर चले जाते हैं जहाँ पे कि टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो यदि आप कभी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है उसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, इम्यून सिस्टम होता है उनका, कमज़ोर हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं और किसी भी संक्रमण की चपेट में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो आपको ऐसे टॉयलेट को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहले तो आप पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दीजिए, उसके बाद ही आप यूरिन पास कीजिए या फिर आप पोटी कीजिए। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, आपको अपने पेशाब के कलर का ध्यान रखना है। यदि आपके यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा येलो आ रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि आप ठीक से पानी ना पीते हो, आपका शरीर सही से हाइड्रेट नहीं रहता है, यानी कि आपका शरीर डिहाइड्रेट रहता है। तो आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। यदि आपका शरीर ज़्यादा ही डिहाइड्रेट रहेगा तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएंगी, इससे आपके इम्यूनिटी द्रव्य में पानी की कमी हो जाएगी जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। इसकी वजह से आपके बच्चे को भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और दोस्तों कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीजिए। ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है कि आपका शरीर अच्छे से साफ हो जाता है, और अच्छे से साफ होने से क्या होता है कि आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर रहती है और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी, तो इससे आपके बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होगी। और शरीर के लिए पानी कितना ज़रूरी है ये बात तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों उसके बाद जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है वो ये कि आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखना है? आप जब भी यूरिन पास करते हैं आप साफ पानी से अपने प्राइवेट एरिया को साफ कर लीजिए। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप यूरिन पास करते हो तो थोड़ा बहुत तो यूरिन आपके प्राइवेट पार्ट पे रह जाता है जो कि आगे आपको इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए यदि आप सादा पानी से साफ कर लेंगी तो आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, नहीं तो आपको खुजली, जलन और इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि बहुत सारे इंटीमेट वॉश आता है, आप अपने डॉक्टर की सलाह पर कोई भी अच्छा इंटीमेट वॉश ला के उससे भी दिन में 1 से 2 बार जो है अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन का बिल्कुल भी डर ना रहे। तो आप ये काम कीजिए। दोस्तों आप जब भी यूरिन पास करते हो और यूरिन पास करते समय यदि आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, उस समय आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक ध्यान और रखना है, यदि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, या किडनी खराब होने का संकेत भी हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप यूरिन पास करते हैं तो उस समय यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर दोस्तों आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, यूरिन का एक स्मेल होता है हम सबको पता है, लेकिन यदि आपको बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है तो यह इन्फेक्शन होने का संकेत हो सकता है, तो एक बार आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट का महीना चल रहा होता है, 9वां महीना चल रहा होता है, उस समय यूरिन पास करते समय आपको लगता है कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है जो कि वाइट कलर का होता है और उसमें जो है रेड कलर की धारियां होती हैं, यानी कि हल्का सा ब्लड मिला हुआ अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो यह नॉर्मल होता है, यह आपकी डिलीवरी होने का संकेत होता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है।
लेकिन आपको लगता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपको एक ध्यान और रखना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपके ब्लैंडर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और दोस्तों मान लीजिए कि आपको यूरिन भी आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी पहनते हैं और आपने यूरिन रोक के रखा है, तो दोस्तों आपके ब्लैंडर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको भी। इसलिए प्रेगनेंसी में जहाँ तक हो सके कॉटन के कपड़े पहनिए, ढीले डाले कपड़े पहनिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी दोस्तों पोटी की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि एक टाइम पोटी जाते हैं और उसके बाद नहीं जाते हैं, तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई भी इंसान हो, आपको दिन में दो बार पोटी जाने का नियम बनाना है। यदि आप दो बार पोटी जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और दोस्तों जब भी आपको पोटी आता है आपको हमेशा ही पोटी करने जाना है, पोटी को दबाना नहीं है। बहुत सारे लोग पोटी को दबाते हैं, वैसे मुझे विश्वास है कोई ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन कोई यदि ऐसा करता है या फिर कभी मजबूरी हो जाती है तो ऐसा ना करें, क्योंकि यह आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होता और ना ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि यदि आप पोटी रोक के रखते हैं तो इससे आपके पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गैस बनेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप खुद समझ सकते हैं। इससे दिन में दो बार पोटी करने जरूर जाइए, पोटी को रोके मत ना। नॉर्मली सभी लोग ऐसा करते हैं कि पोटी करने के बाद जब पानी से वॉश करते हैं तो पीछे से आगे की ओर साफ करते हैं, इससे जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो आपके प्राइवेट पार्ट में आ सकता है, आपकी वजाइना की तरफ आ सकता है। इसलिए आप जब भी अपने पोटी को क्लीन करें तो हमेशा आगे से पीछे की ओर क्लीन करें, ताकि आपकी पोटी का कोई बैक्टीरिया, कीटाणु जो है आपके बजाने की तरफ ना आए, नहीं तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो आपको एक इस बात का ध्यान रखना है। बाकी वैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें, वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है। और दोस्तों नॉर्मली बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपके पेट के लिए उतना अच्छा है, आपके बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए उतना ही अच्छा है। तो यदि आपको भी कब्ज की समस्या रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि फाइबर हो, तो आपका पेट जो है अच्छा रहेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और आई थिंक आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।